नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आया हूँ आप लोगों के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। दोस्तों, पक्का ही नहीं, कच्चा पपीता भी आपकी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कच्चा पपीता महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह उनकी एक नहीं बल्कि कई बीमारियों को दूर करने में अद्भुत तरीके से काम करता है। पपीता हमारी सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। वजन कम करना हो या पेट की कोई भी समस्या हो या चाहे चेहरे पर ग्लो लाना हो, पपीता रामबाण की तरह काम करता है। जी हाँ, चाहे हेल्थ हो या ब्यूटी, सभी को अच्छा रखने में यह आपकी मदद करता है। पपीते में प्रोटीन, पोटासियम, फाइबर और विटामिन ए जैसे अनेक पोषक तत्व तो पाए जाते हैं जो बॉडी के लिए बेहद ही फायदेमंद होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कच्चा पपीता भी आपके हेल्थ का सुपर हीरो है? इसमें मौजूद विटामिन हमें कई तरह से बीमारियों से दूर रखने में मदद करता है। खास तौर पर कच्चा पपीता महिलाओं के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह महिलाओं को एक नहीं बल्कि कई बीमारियों को दूर करने में अद्भुत तरीके से काम करता है। इसे आप चटनी, सब्जी, सलाद और पराठे के रूप में भी खा सकते हैं। वेट लॉस, बढ़ता वजन आजकल की महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है। अगर आपकी भी यही समस्या है तो आप बढ़ते वजन को कम करना चाहते हैं तो कच्चे पपीते का सेवन करें। जी हाँ, कच्चे पपीते में फाइबर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसे खाने से बॉडी में जमा एक्स्ट्रा फैट निकल जाता है। इसलिए आप कच्चे पपीते को सलाद के तौर पर खा सकती हैं। ये वेट लॉस में तेज़ी से मदद करता है। कैंसर से बचाव, कई रिसर्च में पाया गया है कि कच्चे पपीते को रेगुलर खाने से कैंसर का खतरा कम हो जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो शरीर में कैंसर सेल्स को बनने से रोकने का काम करता है, जिससे कैंसर का खतरा कम हो सकता है। यूरिन इन्फेक्शन, महिलाओं को अक्सर यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो जाती है। खास तौर पर गर्मियों में तो ये समस्या बहुत ज़्यादा हो जाती है। समस्या होने पर यूरिन रुक रुक कर और जलन के साथ आता है, हल्का बुखार रहता है, पेट के नीचे हिस्से में दर्द होना और यूरिन से बदबू आना जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कच्चा पपीता इससे राहत दिलाने में बहुत मददगार होता है। यह इन्फेक्शन की परेशानी को ख़त्म करके बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकने का काम करता है। डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए पपीते के साथ साथ कच्चा पपीता भी किसी वरदान से कम नहीं है। इसे खाने से ब्लड में शुगर की मात्रा होती है और यह इंसुलिन की मात्रा को बढ़ाता है। जी हाँ, विटामिन ए, सी, मैग्नीशियम और पोटेशियम कच्चा पपीते का जूस पीने से डायबिटीज़ कंट्रोल में रहता है। अगर आपको भी डायबिटीज़ की समस्या है तो कच्चे पपीते को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है, कमज़ोर इम्यूनिटी के कारण हम आसानी से बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। जी हाँ, मौसम में हल्के से बदलाव से ही तुरंत बीमार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप डाइट में कच्चे पपीते को शामिल करते हैं तो आप अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं। कच्चे पपीते में विटामिन ए, सी और ई होता है जो शरीर में इम्यून सिस्टम को मजबूत रखने में मदद करता है। इसमें मौजूद विटामिन सी तनाव को दूर करता है और तनाव रहने से हमें कई बीमारियों से दूर रहने में मदद करता है। आर्थराइटिस का दर्द दूर करता है, कच्चे पपीते का सेवन जोड़ों के दर्द को दूर करने में बहुत ही फायदेमंद है। कच्चे पपीते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण आर्थराइटिस के दर्द को दूर करने में मदद करता है। इसके लिए आप 2 लीटर पानी उबाल लें, फिर इसमें पपीतों को धोकर बीज निकालकर पानी में 5 मिनट तक उबालें। अब 2 चम्मच ग्रीन टी की पत्तियां डालें और थोड़ी देर तक उबलने दें। अब इसे छानकर बोतल में भर लें। दिन भर इस पानी को पीते रहें, आपको कुछ दिनों में ही आराम महसूस होने लगेगा। दोस्तों, ये थी आज की जानकारी आप सबों के लिए। अगले वीडियो में फिर किसी जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।